थाना मूसा झाग में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो बदायूं ने दो सिपाहियों को 25-25 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। थाना मूसा झाग में 31 दिसंबर 2014 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर थाने के अंदर सिपाही वीरपाल और अवनीश ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। बदायूं के थाना मूसा झाग में तैनात रहे सिपाही वीरपाल और अवनीश ने 31 दिसंबर 2014 को पड़ोस के ही गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद लड़की को थाने में बने कमरे में ले जाकर दोनों सिपाहियों ने सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों सिपाहियों ने नाबालिग लड़की को गांव में छोड़कर फरार हो गए थे। इस संबंध में पीड़िता के चाचा थाना मूसा झाग में धारा 376, 342 व 504 तथा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद इस केस का ट्रायल विभिन्न कोर्टों में चला। पास्को एक्ट होने के नाते इसका अंतिम ट्रायल कल कोर्ट नंबर 8 में चला, जिसमें कोर्ट ने सिपाहियों को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 25-25 साल की सजा सुनाई। धारा 376 में अधिकतम 25 साल का कारावास होने के कारण इन दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई। थाना मूसा झाग में दो सिपाहियों वीरपाल और अवनीश के द्वारा एक गांव से नाबालिग बच्ची को अपहरण करके थाना मूसा झाग में स्थित अपने कमरे में लाकर के उसके साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद में उसको उसके गांव के पास छोड़कर ये दोनों सिपाही भाग आए। इसी संबंध में पीड़िता के चाचा ने थाना मूसा झाग पर एक FIR लिखाई थी, जो FIR 376, 342, 504, 506 व पॉक्सो एक्ट में थाना मूसा झाग पर अंकित हुई। उसके बाद इस केस का ट्रायल चला, जो ट्रायल विभिन्न न्यायालयों में चलता रहा। फिर पॉक्सो एक्ट होने के कारण इसका अंतिम ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 8 में कल इन दोनों वीरपाल और अवनीश सिपाहियों को दोषी मान लिया था और आज उसमें इन दोनों सिपाहियों की धारा 342, 366, 376 डी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी माना है। विभिन्न धाराओं में इनको दंडित किया है। 376 डी में 25-25 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 366 में 7 साल की सजा व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है और 342 में 1 साल की सजा और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 5 साल की सजा व 5,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया। तो इन पर टोटल सजा, टोटल जुर्माना।